एक कच्चे आलू से कैसे आप अपने चेहरे के कालेपन से निजात पा सकते हैं, दाग धब्बे बहुत ज्यादा हैं, झाइयां अगर बहुत ज्यादा बन गई हैं, तो आज के इस कच्चे आलू की रेमेडी को एक बार आप ट्राई करके देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सारे मित्र फती बहुत बहुत प्यार लेके आ गई मुझे रिक्वेस्टेड रेमेडी बना के, जिसके लिए इतने सारे आप लोगों ने कमेंट करते रहिए। इसी तरह से आपकी रेमेडीज आती रहेंगी। इसी तरीके से स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा कालापन हो गया है, सांवलापन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। कोई एक ऐसी रेमेडी जो घर में रखे हुए सामान के साथ में हम बनाना चाहें, तो कि कुछ भी सामान आपको बाहर से नहीं लेना है, जो रेगुलर आपने अपने घर में यूज करते हैं, किचन में यूज में लाते हैं, वही चीजों के साथ में ही आप अपने स्किन के कालेपन से, स्किन की टैनिंग से, पिगमेंट से छुटकारा पा सकते हैं। स्किन के ऊपर अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रीकल्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्ने के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आज की ये बहुत ही सिंपल रेमेडी आपने करनी है। और इसको आप घर में चलते फिरते भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको इसके लिए ऐसा नहीं है कि कहीं सेटल डाउन होके बैठना है, एक घंटा इसमें लगेगा, नहीं जी, मात्र 10 मिनट में आप इसको कर सकते हो, और वो भी किचन में खाना बनाते बनाते भी कर सकते हो। सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारी स्किन को क्लीन करने का। उसके बाद में हम अपनी स्किन को एक ब्लीचिंग देंगे। तो क्लीनिंग करने के लिए मैं जो चीज ले रही हूँ वो तो मेरी फेवरेट है जी, जो कि है दही। और दही के साथ में हम अपनी स्किन को क्लीन करेंगे, बहुत बढ़िया आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, आपकी स्किन फेयर लगने लगती है 2 से 3 टोन तक, क्योंकि दही में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, दही में लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। ये आपकी स्किन को मुलायम भी करता है, स्किन को डीप क्लीन भी करता है, और स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के डेपोजिशन है, गंदगी है, मैल है, धूल है, गंदगी है, सारी की सारी हटा देता है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं हूं रेखा सिंह, ऐसे ही डीआईवाईज में लेके आती हूं। अगर आपको इस तरह के डीआईवाईज में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकॉन, क्योंकि बेल आइकॉन दबाते ही आपके पास मेरी जो वीडियो है सबसे पहले पहुंचेगी। एक लाइक दे दीजिएगा वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगता है, जो कि मेरी बूस्टअप के लिए है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें कुछ नहीं मिलता है इससे, बस और बस आपका एक बूस्टअप मुझे मिल जाता है मेरी नेक्स्ट रेमेडी और अच्छी बना के लाने के लिए, जो कि आप लोगों के लिए ही फायदेमंद है। देखिए, मैं अपनी स्किन का केयर कर रही हूँ, और अगर मैं अपनी स्किन का केयर करते करते वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जिसके रिटर्न में आप मुझे आपका थोड़ा सा प्यार देते हैं, फेवर देते हैं, प्यारे प्यारे कॉमेंट करते हैं, बस वही मेरे लिए रिटर्न हो जाता है। तो आपने क्या करना है, एक लाइक दे देना है प्यारे से कॉमेंट के साथ में। सबसे पहले हम अपनी स्किन को क्लीन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो क्लीन करने के लिए मैंने लिया है दही। अगर आपके पास दही नहीं है तो दही का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि हम बनाएंगे इस रेमेडी को दही के साथ में ही। लीजिए, सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं। मैं ले रही हूँ जी दही, ये देखिए इस तरीके से हम ले लेंगे और बढ़िया से अपने स्किन को क्लीन करेंगे। दही आपके कलर को इंस्टेंट एकदम से फेयर करता है। आप एक बार दही यूज करके देख लेंगे, आप रेगुलर तौर पे दही को ही अपनी स्किन के ऊपर लगाना शुरू कर देंगे। अगर आपका कलर बहुत ज्यादा डल होता जा रहा है, काला पड़ता जा रहा है, दही या दूध, इन दो चीजों को अपनी स्किन पे लगाना शुरू कर दो, आपका कलर बहुत बढ़िया से फेयर होता जाएगा, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। और मान लो अगर आप अपनी स्किन का केयर आपने बहुत दिन से नहीं किया है, डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं, तो आप दही और दूध की जगह आप लेंगे घी या फिर बटर, ठीक है जी। ये देखिए, तो इस तरीके से हम कर लेंगे अपने चेहरे के ऊपर 2 मिनट की बढ़िया सी मसाज, और इसके बाद में हम इसको क्लीन कर देंगे किसी टिश्यू पेपर के साथ में भी आप कर सकते हो, और आप चाहें तो जाके अपने फेस को सिंपल पानी के साथ में वॉश भी कर सकते हो। बिल्कुल भी आपने साबुन नहीं लगाना है। अब जब रेमेडी हम करने बैठे हैं तो बिल्कुल भी अब साबुन का यूज आपको नहीं करना है। साबुन का यूज आपको करना है कब, जब आप रेमेडी शुरू करने वाले हैं उसके पहले, ठीक है जी। मैं इसको टिश्यू पेपर के साथ में भी क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद में मैं अपने फेस के ऊपर स्टार्ट करूंगी ब्लीचिंग का काम। ब्लीचिंग कैसे करनी है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी। आपकी स्किन आपको 2 टोन तक फेयर दिखेगी इस ब्लीच के साथ में। नेचुरल ब्लीच है, घर पे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से इसको क्लीन नहीं कर रही हूँ, हल्का हल्का सा खाली क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि भी आगे जो रेमेडी बनने वाली है उसमें भी हम दही का ही यूज करने वाले हैं।
लेकिन क्योंकि मुझे ब्लीच करनी है, मुझे अपने चेहरे के ऊपर ब्लीच करके 2 से 3 दिन हो गए। मार्केट वाले जब आप ब्लीच यूज करते हैं तो उसको आप 15 से 20 दिन पे करते हैं, लेकिन ये जो घर की ब्लीच होती है ना, इनको आप रोज भी कर सकते हैं क्योंकि इनके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है एक कच्चा आलू। कच्चा आलू लेंगे, मीडियम साइज का ले लीजिए, बहुत ज्यादा आपको बड़ा या छोटा नहीं लेना है, मीडियम साइज का लीजिए आप। और इसको देखिए इस तरीके से, और ये आप थोड़ा सा ना ट्राई करिएगा, वो जो जूसी जूसी जैसे आलू होते हैं ना, पुराना आलू भी आप ले सकते हैं इसमें, क्योंकि उसमें क्या होता है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है और उसमें जूस बहुत अच्छा मिलता है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको दबाएंगे और इसका जो जूस है वो आपको अच्छे से मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए इस तरीके से हमने इसको दबा लिया, इसका जो पानी है, जो इसका जूस है वो हमें मिल गया। अब बस कुछ नहीं, इसको आपने अपने चेहरे पर रब करना शुरू करना है। अगर आपके चेहरे के ऊपर कहीं पर भी पिगमेंट है तो आपने इसको बस वहीं पर ही बहुत बढ़िया से रब करना है, कम से कम 5 से 7 मिनट तक, ताकि आपकी वो जो पिगमेंट है वो धीरे 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 फेड आउट हो जाए। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आप करेंगे और आपका जो ब्लीचिंग है आपको घर पर ही बहुत आसानी से करने को मिल जाएगा, और इसी प्रोसेस में आपका जो सांवलापन है वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, इसको पोक करते जाना है, हल्का सा इसको दबाना है, इसका जूस आपको मिल जाना चाहिए, बस ये गीला गीला आपको हो जाएगा, तो यही आपने रब करना है। नाक के आसपास जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कालापन बनता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। हमने कर लिया, इस आलू को आप फेंक दीजिएगा, दूसरा वाला जो हाफ कट है वो आप अपनी सब्जी में यूज में ला सकते हैं। मैंने कहा था खाना बनाते बनाते भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हम जब आलू काटते हैं एक स्लाइस लीजिए, अपने चेहरे पर रब कर लो 2 से 3 मिनट, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। अब हम तैयार करते हैं हमारी स्किन के लिए एक फेस पैक कम हमारी स्किन को टाइट करने के लिए एक बहुत बढ़िया सी क्रीम। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ चावल का आटा। चावल के आटे में प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे कलर को तो फेयर करने की ही, हमारी स्किन को टाइट करने का, हमारी स्किन के ऊपर एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने का, अर्ली साइन ऑफ एजिंग अगर आपको अपने चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं तो आपको लेना है चावल का आटा। चावल का आटा बहुत आसानी से ऑनलाइन भी मिलता है और आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत बार आपको बताया, चावल को खाली ग्राइंड कर लो, पीस लो, छान लो, चावल का आटा तैयार है। अब इसमें डाल रही हूँ जी मैं मेरा फेवरेट, मेरा मल्टीग्रेन आटा, जिसमें की बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। इसमें क्या क्या मिक्स है बहुत लोग पूछना चाहते हैं, कमेंट बहुत सारे आए थे। मैं मिलाती हूँ जी बाजरा, नाचनी, जवारी और सोयाबीन, चना। ठीक है, ये सारी चीजें मिलवा के भाभी पिसवा के लाते हैं जो कि घर में खाना बनाते हैं, आप लोग जानते हैं। अगर ब्लॉग चैनल आपने पहले के देखे होंगे उसमें आपने उनको देखा होगा, तो वो खुद ही पिसवा के लाती हैं, वो खुद ही अपना बनवा के लाते हैं, उनको लगता है कि जो हेल्दी है वो कर लेती हैं। तो वही ये वाला आटा इस बार पिसवा के लाई है, तो इस बार उन्होंने 5 चीजें आई थिंक मिलवाई हैं, वैसे मैं 2 या 3 चीजें मिलाती थी। तो ये मेरा मल्टीग्रेन आटा है, आपके पास प्लेन वाला जो भी आटा आप ले सकते हैं, जिसको कि आप रेगुलर तौर पे खाते हैं। ठीक है जी, अब हम इसमें डालेंगे जी थोड़ा सा नींबू। अगर आपको कंफर्टेबल है आप नींबू ले सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें ले रही हूँ 1 से 2 ड्रॉप, बहुत ज्यादा नहीं ले रही हूँ, 1 से 2 ड्रॉप ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारे कलर को भी फेयर करता है, हमारे स्किन के डार्क स्पॉट्स को भी बहुत आसानी से हटाता है। इसके साथ में मैं इसमें ले रही हूँ कस्तूरी हल्दी, ये देखिए इतना मैं ले रही हूँ कस्तूरी हल्दी। अगर आप लेते हैं तो ये आपके कलर को ब्राइटन अप करेगी, आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, या आपके स्किन के ऊपर कोई भी टिंट नहीं छोड़ती है। जो पीले रंग का आपको अपने किचन में रखी हुई हल्दी से मिल जाता है, और कस्तूरी हल्दी के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे यहाँ पे व्हाइट हल्दी है तो क्या वो कस्तूरी है। हाँ जी, वो कस्तूरी ही है, बहुत जगह पे व्हाइट हल्दी मिलती है, बहुत जगह पे इस तरीके से येलो हल्दी मिलती है, आप ये ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे जी दही। ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि दही इसमें लगेगा, दही मैं इसमें डाल दूंगी अच्छे से बढ़िया से, क्योंकि दही में प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे स्किन को बहुत बढ़िया से मुलायम करने की, सॉफ्ट बनाए रखने की। तो मैं इसमें डाल रही हूँ जी दही इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको इसमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा कम पड़ गया है तो आप इसमें या तो रोज वाटर ऐड कर सकते हैं या फिर दही ही थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा दही और ऐड कर लेती हूं। इस तरीके से एक बहुत बढ़िया सा आपका ये पेस्ट मिल जाएगा। इस पेस्ट को आप बना के रख लीजिएगा फ्रिज में, आपको रोज रोज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से 1 हफ्ता ये आपका चल जाएगा। वैसे 1 हफ्ते तक का मत ही बनाइएगा, 3 से 4 बार का ही बनाइएगा, अच्छा रहता है। तो ये देखिए
कितने बढ़िया से आपकी स्किन के ऊपर एकदम स्मूथ सा इफेक्ट देगा आपको, और स्किन भी बहुत बढ़िया से आपकी ग्लो करते जाएगी, स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी, फर्म हो जाएगी। अर्ली साइन ऑफ एजिंग अगर आपके चेहरे पर है तो प्लीज आप अपने चावल वाली रेमेडीज को तो रेगुलर किया कीजिए। मैंने हमेशा आपको बोला है स्किन आपकी ऑटोमेटिकली आपको टाइट और फॉर्म दिखाई देने लग जाएगी थोड़े दिन में ही, फिर उसके बाद आप इसके आदि हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छी लगेगी चावल की रेमेडीज अपनी स्किन पे करना, क्योंकि आप इसको पसंद करने लग जाएंगे। ये देखिए जी, इस तरीके से हम लगा लेते हैं, बढ़िया से नाक के आसपास जरूर लगाना है, आंखों के आसपास जरूर लगाना है, फॉरहेड पे आपको जरूर लगाना है, और खुले गले का अगर आपने सूट पहना हुआ है या टी शर्ट जो भी पहना है तो आप इसको अपने नेक पे भी जरूर लगाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए इस तरीके से। और मैं मसाज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल भी अपने चेहरे के ऊपर मसाज किया था स्क्रबिंग वाला सेक्शन में, तो अभी मैं सिर्फ अपनी स्किन को टाइट और फॉर्म बनाने के लिए इस रेमेडी को लगाई हूँ। तो ये जब सूखेगा उसके बाद में मैं आपको मिलती हूँ, लेकिन इसको कंप्लीट आपने नहीं सुखाना है, 80-90% जब ये सूखेगा फिर हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे पानी का, जब ये गीला होगा फिर हम इसको क्लीन करेंगे। ठीक है, ये देखिए जी सूख गया था, मैंने उसके ऊपर वापस से स्प्रे किया, और अब मैं आपको हटा के दिखाती हूँ कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। देखिए कितना बढ़िया, आशा करती हूँ आपको आज की ये रेमेडी भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रेमेडी है, एक बार ट्राई करके जरूर देखते हैं। नेक्स्ट रेमेडी के साथ में अभी तक मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया है, सारे प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जाके चेकआउट करिए, सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर आपको मैं मिलूंगी बहुत सारी रेमेडीज के साथ में। जिसका सामान आपके पास अवेलेबल है उस रेमेडी को कर लो, लेकिन कोई भी दिन नागा नहीं जाना चाहिए, हर दिन आपने अपनी स्किन की केयर करनी है। जैसे आप खाना पीना रखते हैं, जैसे आप रोज का अपना रूटीन रखते हैं, वैसे आपको स्किन केयर को भी रेगुलर करना है एक अच्छी स्किन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।